Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Assalam U Alaikum, kitchen with Mehru में हाजिर हूँ. आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी केक. बहुत आसान तरीके से आप घर पर विदाउट ओवन इसे बना सकते हैं. इसके लिए हमें चाहिए एक कप, मेरे पास मैदा है, 3/4 कप शुगर पाउडर, 3 tablespoons milk, 1/4 cup oil, 4 adad ande, 1/2 teaspoon baking powder और 1+1/2 tablespoon instant coffee. कॉफ़ी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने नेस कैफ़े ली है. आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. ये मैंने पैन को ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर पहले से रेडी कर लिया है. अब मैं एक बड़ा बॉल लूँगी और ये चारों अंडे तोड़ के सफ़ेदी अलग कर लूँगी और ज़र्दी अलग कर लूँगी. एक एक अंडा तोड़ के सफ़ेदी जो है वो बड़े बॉल में निकालते जाएं. अंडे को तोड़ के आप अपने हाथ पर गिरा लेंगे तो ज़र्दी आपके हाथ में रह जाएगी और सफ़ेदी जो है वो बॉल में गिरती जाएगी. ऐसे आप चारों अंडे तोड़ के सफ़ेदी अलग कर लें, ज़र्दी अलग कर लें. अब इसे मीडियम स्पीड पे मैं 2 से 3 मिनट तक बीट करूँगी. अब झाग बन चुकी है. अब थोड़ी थोड़ी इसके बीच में पाउडर शुगर ऐड करती जाऊँगी और साथ साथ बीट करती रहूँगी. इसे इतना बीट करना है कि ये थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाए. अभी लिक्विड है, मैं और बीट करूँगी. ये देखें थोड़ा सा थिक हो चुका है. अब इसके बीच में एक एक ज़र्दी डालती जाऊँगी और साथ साथ बीट करती रहूँगी. याद रहे कि अंडों को जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा स्पॉन्ज बनेगा. मैंने ये नीम गर्म दूध लिया है, इसमें मैं ये तमाम कॉफ़ी डाल दूंगी और कॉफ़ी को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लूंगी. अब अंडों वाला मिक्सचर लें और उसमें ये कॉफ़ी वाला मिक्सचर डाल दें और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें. अब इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर को इकट्ठा मिक्स करके आप इसके बीच में छान लें. थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएं मैदे का और स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहें. अच्छी तरह से हमें मैदे को पहले मिक्स कर लेना है, स्पून के साथ या स्पैचुला के साथ. तमाम मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते रहें और साथ ही इसमें ऑयल डाल दें. अब इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट मीडियम स्पीड पे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे. बैटर हमारा कॉफ़ी केक का बिल्कुल रेडी है. स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें. कॉफ़ी केक का बैटर हमारा रेडी है. कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए. अब इस बैटर को मैं पैन में डाल दूंगी. जब भी आपको केक बनाना हो सबसे पहले आप केक पैन को ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर साइड पर रख दें. अब मैंने इसमें तमाम बैटर डाल दिया है. इसे 1-2 बार टैप करें या टूथपिक या बारीक स्टिक की मदद से इसे 1-2 बार इसमें घुमा दें ताकि एयर बबल्स तमाम निकल जाएं. अब मैं एल्युमिनियम फॉइल लूँगी और इसे केक पैन के चारों तरफ अच्छी तरह लपेट दूँगी. आप बारीक कॉटन की स्ट्रिप भी बना के केक के गिर्द लपेट सकते हैं. इससे ये होगा कि केक जब बेक होगा तो ऊपर से फूलेगा नहीं, लेवल रहेगा. मैंने देगचे को पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था. देगचे की तह में नमक बिछाया है, ऊपर स्टैंड रख दिया है और इसे 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया है. अब इसके बीच में मैं केक पैन रख दूँगी और इसे 35 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक करूँगी. 40 मिनट्स हो चुके हैं. केक को अब मैं चेक करूँगी. केक बेक हो चुका है. इसे मैं कूलिंग रैक पर निकाल दूँगी और इसे 5 से 7 मिनट ठंडा होने दूंगी. एल्युमिनियम फॉइल से केक लेवल बेक हुआ है, ऊपर से उठा नहीं है. अब इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी मैं. केक कुछ ठंडा हो चुका है. अब मैं इसे नाइफ़ की मदद से 3 हिस्सों में काट लूंगी. आप इसे 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं. नाइफ़ जो है वो आप बड़ा ही यूज़ करें केक की कटिंग के लिए. मैं इसे बराबर 3 हिस्सों में काट लूँगी. बहुत सॉफ्ट केक बना है ये. ये देखें स्पॉन्ज हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है.
मैं कॉफ़ी केक की फ्रॉस्टिंग तैयार करूंगी। सबसे पहले मैं एक बड़े बॉल में एक कप व्हिप क्रीम डाल दूंगी और इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बीट कर लूंगी। अब ये देखिए थोड़ी स्टिफ पीक फॉर्म में आ चुकी है। इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाल दूंगी और 1 टेबलस्पून स्वीट कोको पाउडर डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से पहले आप मिक्स कर लें, उसके बाद 3 से 4 मिनट बीट करें। इसके बाद इसमें मैं कॉफ़ी मिक्सचर डालूंगी। कॉफ़ी मिक्सचर मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ली और 3 टेबलस्पून उसमें शुगर डाल के 1 टीस्पून पानी डाल के अच्छी तरह से बीट किया है। तो ये अच्छी तरह से बीट हुई हुई है। इस कॉफ़ी के मिक्सचर को मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। टू टेबलस्पून इसमें मैं सॉफ्ट बटर डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से बीट करूंगी। बहुत ज़बरदस्त ये फ्रॉस्टिंग रेडी होगी कॉफ़ी केक की। अब इसके बीच में मैं थोड़ी सी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डालूंगी। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब मैं इसे उतार दूंगी। इसे स्पैचुला की मदद से आप ऐसे मिक्स कर लें। ये फ्रॉस्टिंग आपकी रेडी है। केक के तीनों पीसीस को मैं कॉफ़ी सिरप से सोक कर लूंगी। अगर आप मिल्क से करना चाहते हैं तो मिल्क से कर लें। अच्छी तरह से मैं इनको सोक कर लूंगी। उसके बाद एक एक स्पॉन्ज के ऊपर मैं कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग लगाती जाऊंगी। इक्वली आप चारों तरफ फैला दें अच्छी तरह से। इसके ऊपर दूसरा स्पॉन्ज रख दें, इसके ऊपर भी फ्रॉस्टिंग लगा दें और चारों तरफ फैला दें। अब इसके ऊपर तीसरा स्पॉन्ज रख दें। मैं तमाम फ्रॉस्टिंग से केक को अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये केक रेडी होगा। आप इक्वली स्प्रेड कर दें तमाम फ्रॉस्टिंग को। केक पे फ्रॉस्टिंग मैंने अच्छी तरह से लगा दी है। ये कुछ मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल्स लिए हैं, इसको मैं चारों तरफ लगा दूंगी केक के। आप चाहें तो केक के क्रम्स भी लगा सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से इन स्प्रिंकल से कवर कर दूंगी। पाइपिंग बैग मैंने रेडी कर लिया था। अब इसे मैं इस नोज़ल से डेकोरेट करूंगी। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये कॉफ़ी केक रेडी होगा और बहुत टेस्टी बना है ये। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। कॉफ़ी केक डेकोरेशन के बाद रेडी है। अब मैं आपको स्लाइस करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है ये। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी है ये। आज मैंने आपको कॉफ़ी केक विदाउट ओवन बनाना सिखाया है। बहुत ही यमी रेसिपी है, बहुत टेस्टी केक बनता है ये। आप ज़रूर इसे घर में ट्राई करें और बहुत आसानी से आप इसे विदाउट ओवन घर में बना सकते हैं। कमेंट्स में मुझे शेयर कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।